आर्टिकल 45, 45 क्या कहता है? ये कब ऐड हुआ? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002। इसमें ये बोला गया, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये प्रोविजन किस लिए था? कंपलसरी है एजुकेशन फ्री चिल्ड्रंस के लिए। द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोवाइड स्टेट इस चीज़ के लिए कि बच्चों को प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बच्चों को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे या उठाएं जिससे मैक्सिमम बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल सके। मतलब एक एज तक उनको फ्री एजुकेशन हो, सिंपल सी बात तो ये है। फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, सबके लिए भाई, कोई कुछ लोगों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए। अंटिल दे कम्प्लीट देयर एज 14 ईयर, 14 साल की एज कम्प्लीट तक करने तक उनको फ्री एजुकेशन, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए फ्री स्टेट के लिए। बट स्टेट नॉट बाध्य यार, उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है स्टेट। तो यही है आर्टिकल 45। ये फंडामेंटल राइट में भी हैं यही चीज़ बातें, लेकिन वो फंडामेंटल राइट और ये DPSP में, इसमें डिफरेंस क्या है? उन वहाँ पे बच्चों को फंडामेंटल राइट, मतलब ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है कि उनको हक है उनका, और यहाँ पे स्टेट के ऊपर है सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की। जो सिस्टम या स्कीम्स बनाई जाएँ स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में, सो जैसे भी हैं वैसे। ठीक है गाइज, थैंक यू।